स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। जबलपुर में 9 जून को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 485वीं जयंती पर के शौर्य यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस शौर्य यात्रा में सभी सनातनी और क्षत्रिय परंपरा का निर्वहन करते हुए शौर्य यात्रा सिविक सेंटर से प्रारंभ होगी। शौर्य यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए महाराणा प्रताप चौक नगर निगम में समाप्त होगी। इस यात्रा में विभिन्न धर्मों और समाज के गणमान्य नागरिक शामिल होंगे। महाराणा प्रताप जयंती पर होने वाली शौर्य यात्रा की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। पत्रकार बंधुओं, आप सभी को ज्ञात है कि पिछले 8 वर्षों से क्षत्रिय राजपूत समाज द्वारा महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर शौर्य यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी क्षत्रिय समाज राजपूत द्वारा शौर्य यात्रा का आयोजन 9 जून सायं 4 बजे सिविक सेंटर से नौदरा पुल, करमचंद चौक, मालवी चौक से होते हुए महाराणा प्रताप चौक और महाराणा प्रताप चौक से होते हुए महाराणा प्रताप परिसर में इसका समापन होगा, जिसमें कि हमारे शहर के सभी प्रबुद्ध नागरिक, सभी बहनें और छत्राणियाँ इस बार जोर शोर से शामिल होने जा रही हैं। इस वर्ष तो राजपूत छत्राणी महिलाओं ने, बच्चियों ने तलवार और लाठी का प्रदर्शन भी 1 महीने से सीख रही हैं, जो कि सभी व्यवस्थित और तैयार हैं, जो सबसे पहले अगली पंक्ति में अग्रणी रहेंगी और अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए इस शौर्य यात्रा में चलेंगी। शौर्य यात्रा में हमारे सभी जबलपुर नगर के विधायकगण, अतिथिगण और हमारे माननीय सांसद राकेश सिंह जी भी इसमें रहेंगे और हमारे संयोजक अपने नाम महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू, मुन्ना भैया लेखराज सिंह जी और इस शौर्य यात्रा की शोभा बढ़ाएंगे। इस शौर्य सबसे इसमें एक विशेष बात तो ये है कि इस शौर्य यात्रा का स्वागत सभी धर्म और सभी समाज के लोग करते हैं, जिसमें कि ब्राह्मण समाज, जैन समाज, मुस्लिम समाज, कायस्थ समाज, सिंधी समाज और सिख समाज अपने अपनी जगह स्टाल लगा के इस शौर्य यात्रा का भव्य स्वागत करते हैं। मैं उन्हीं सभी बंधुओं को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। जय महाराणा प्रताप, जय भारत। महाराणा प्रताप जी की तिथि के हिसाब से जन्म जयंती के अवसर पर एक बार पुनः वृहद शौर्य यात्रा, जिसमें लगभग 5,000 क्षत्रिय समाज के लोग जबलपुर में उपस्थित होंगे। ये यात्रा सभी वर्ग जाति के लोग कहीं स्वागत करेंगे, कहीं साथ में शामिल होंगे और क्षत्रिय समाज बड़ी तत्परता के साथ, अपने उस भाव के साथ कि अगर क्षत्रिय समाज के घर में किसी का कुआं है, जो पुराने समय में कहावत थी, तो वो हर समाज, हर जाति के व्यक्ति के लिए वो पानी उसमें से इस्तेमाल कर सकता था। वैसे भी आज हम सब मिलकर क्षत्रिय समाज के उत्थान के साथ साथ क्षत्रिय समाज की जहाँ भी इस समाज को ज़रूरत है, हम लोग उनके लिए हर समय तत्पर रहें, इस भाव के साथ एकत्रित होकर शौर्य यात्रा निकालेंगे। सभी प्रबुद्ध जन उसमें उपस्थित होंगे, प्रमुख रूप से हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय राकेश सिंह जी होंगे, हमारे जितने भी क्षत्रिय समाज जबलपुर में संचालित हैं, जैसे अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय शैलेंद्र सिंह जी हैं, इसी तरीके से उनके नेतृत्व के साथ साथ अन्य जो हमारे समाज हैं, उनके जो प्रमुख हैं, हमारे अध्यक्ष हैं, उन सब के नेतृत्व में ये यात्रा निकाली जाती है। मैं अपनी ओर से पूरे क्षत्रिय राजपूत समाज की ओर से आप सभी से आग्रह करता हूँ कि इस यात्रा में पधारें और हम सबको अनुग्रहित करें और क्षत्रिय समाज के साथ 1 किलोमीटर की इस यात्रा में चलें। हम सब मिलकर ये प्रण लें कि हम संस्कारधानी को महानगर बनाएंगे
और एक दिन यह जबलपुर शहर हमारा मध्य प्रदेश का सबसे खूबसूरत शहर होगा।